तो क्या है ये रेड ट्रैप की पूरी कहानी, जैसे कि मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि हमारी कहानी का हीरो ही हमारा विलन है, प्रोटैगनिस्ट भी यही है, एंटैगनिस्ट भी यही है। तो ये जो आदमी है जिसका नाम है पेडलर, इधर उधर भटकता रहता है, भीख मांगता है, रेड ट्रैप्स बनाता है और पैसे कमाता है, इवन चोरियां भी करता है, इवन चोरियां भी करता है। अब ऐसे में उसके मन में यह ख्याल है कि दुनिया का सत्यानाश हो, दुनिया बर्बाद हो जाए, और उसी ख्याल के साथ वो घूमते 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 एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि पूरी दुनिया जो है एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, जहां पे अलग अलग लालच है, अलग अलग अट्रैक्शंस इंसान को फंसा देते हैं, और फिर वो एक चूहे की तरह, जैसे एक चूहा चीज के एक टुकड़े के लालच में रैट ट्रैप में फंस जाता है, उसी तरह से इंसान भी इस दुनिया रूप के रैट ट्रैप में फंसा हुआ। कहानी के उसके आगे के हिस्से में हमें पता चलता है कि एक रात को जब वो भटकते भटकते एक शहर से थोड़ा दूर निकल जाता है, तो आउटस्कर्ट्स पे एक घर दिखता है उसको, वहां पे वो रात को रहने के लिए समय जगह मांगता है। वहां का जो ओनर है, किसी जमाने में फार्मर था, क्रॉफ्टर था, वो इस आदमी को सिर्फ घर पे रखता ही नहीं बल्कि उसके साथ गेम खेलता है, उसको खाना खिलाता है, सिगार पिलाता है, अपनी बातें बताता है कि कैसे वो एक जमाने में क्रॉफ्टर था, फिर जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके पास एक गाय है, उसका दूध बेचकर वो अच्छे पैसे कमा रहा है, उसकी जिंदगी अच्छी कट रही है। वो ये भी बता देता है कि उसने 30 क्रॉन्स कमाए हैं और वो कहाँ रखे हैं। उसके बाद वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सुबह के वक्त चले जाते हैं। वहां से कहानी घूमती है कि कैसे ये उस आयरन की फैक्ट्री में पहुंच जाता है, और आयरन मास्टर आयरन फैक्ट्री में रेम्स जो आयरन मिल तक वो पहुंच जाता है। लास्ट मैंने कहां तक करवाया था खाली बताएगा कोई आपने से? लास्ट आई थिंक वी वर ऑन पेज 36। ओके, तो जब वो फैक्ट्री में पहुंचता है, द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर यानी घुसपैठिया, जो आपसे बिना परमिशन मांगे आपकी प्रॉपर्टी में घुस आए उसे इंट्रूडर कहते हैं। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग इन हिज ऑन हिज चेस्ट। यूजुअली जो लोग भटक के आ जाया करते थे वो ऐसे ही दिखते, कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, बीमार सा इंसान। आई रिपीट, कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, बीमार सा इंसान लगता है। और ऐसे कई मुसाफिर अक्सर भटक जाया करते थे और इनके पास आ जाया। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded. Nodded मतलब सर हिलाने। A haughty consent. Haughty मतलब इमीजिएट। Haughty consent. Consent का मतलब है permission. तो उसने इमीजिएटली परमिशन दे दिया, आजा, क्या फर्क पड़ता है, फैक्ट्री पर आजा रात भर। इतना तो जानते हो ना, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार। हाँ, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग। ये दूसरा शब्द है वेगाबोंड का, जो व्यक्ति भटकता रहता है उसको ट्रैम्प भी कहते हैं। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्न हिम, वार्न हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहां पे बात करने आया भी नहीं था, वो बस खुद को थोड़ा गर्म रखना चाहता था, ठंड का माहौल था और ये मरते मरते बचा था। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good Ramsjo iron mills. और उसका जिंदगी का ambition क्या था? उसका एक ही ambition था कि अच्छा लोहा was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge. Forge मतलब लोहे का कारखाना। Inspection करने आता था, तो उस दिन भी आया था। Naturally, the first thing he saw was so close to the furnace, the steam rose from his wet rags. Rag muffin. मफिन आपने खाया होगा, केक जो पूरा का पूरा जैसे बोरा पहन के सोया हो, जिसके कपड़े एकदम फटे हुए, उस वो भट्टे के इतना। The iron master didn't follow the example of blacksmiths who had hardly deemed. Close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better way of his face. उसके बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ओलाफ, गड़बड़ हो जाती है। उस आयरन मास्टर को लगता है कि ये उसका पुराना दोस्त निल्स ओलाफ है, जो कि ये नहीं है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नेवर what his name was, but it occurred to him that no one was. He might perhaps throw him a couple of all at once. अब उसने सोचा कि अगर मैं इसके सामने ऐसा pretend करूं कि मैं उसे जानता हूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो मेरे पे हो जाएगा। Yes, God knows things have gone downhill with him.
वही हुई गॉन डाउन हिल, मतलब रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. रेजिमेंट कहते हैं आर्मी के एक बटालियन को, कहते हैं उसको तुमने आर्मी से रिजाइन करना ही नहीं, सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. ये कहता है था ही नहीं, झूठ बोल रहा है, कहता आर्मी मुझे छोड़नी नहीं चाहिए. ओके okay? वो कहता है चल अब मैं उस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, साथ इसके घर गया. रेजिमेंटल कॉमरेड ये शब्द का मीनिंग बताऊं, ध्यान से सुनिएगा. रेजिमेंटमेंट कहा जाता है और कॉमरेड शब्द का मतलब होता है साथी, जो आपके साथ तो रिस्क है. वो बंदा एट वंस पहचान जाएगा कि मैं तो वो हूं ही नहीं, तो इसको आइडिया सूट नहीं करता. काम नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा. ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉन्स टू गो अप टू द मैन. इसने सोचा यार अगर मैं वहां गया तो अभी तक तो ये बात तो लीक, और इमीडिएटली वो जो अपीयरेंस बताएगा वो तो मेरा ही है, मतलब मैं फंसूंगा, और अगर मैं फंसूं फिर हाथ डालने जैसा हो जाएगा. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away. उसको क्या चाहिए, क्या था, एक रात यहाँ पे सो जाए, then sneak away, छुप के भाग जाना. As inconspicuously, बिना किसी को शक हुए वहाँ से भाग जाना था. The Iron Master assumed that he felt embarrassed, है कि इसके कपड़े फटे पुराने हैं, शायद इस वजह से ये निराश है और इसीलिए ये तैयार नहीं. There, he said, Elizabeth is dead, as you may all know, except my oldest daughter Edla and myself. तो कहता है देखो तुम ऐसे निराश मत हो, no doubt, कोई चीज़ नहीं. मेरी पत्नी एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, मेरी बेटी एडला है और कोई नहीं, घर पे सदस्य ज्यादा नहीं है, घर पे सदस्य ज्यादा नहीं. Saying that it would be bad, we didn't have any the Christmas food disappear a little faster. वो कहता है देखो हम ऐसे भी निराश थे कि यार चलो और अच्छे से खाना वाना खाओ, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो. But that he must give in. अब आयन मास्टर को लगा यार ये तो मान ही नहीं रहा है, गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना, एक्सेप्ट डिफीट. उसको लगा स्टैल, ये उसके दोस्त का नाम था, मास्टर के दोस्त का नाम था, जिसको ये गलती से इस धोखे में ये इसको समझ रहा था. इट लुक्स एज़ द कैप्टन वंस नॉट प्रेफर्ड टू, वहां का जो आयरन मास्टर है उसका नाम है स्टेजनसन. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज़ ही वेंट अवे, जैसे वो जा रहा था वो सा, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज़ ही वेंट अवे एंड द ब्लैकस्मिथ हू न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट करेगा. यहां तक अगर किसी को डाउट हो मैनर हाउस तो बंगले को कहते हैं. पेन बेसिकली कहा जाता है बेटा खिड़की के जो बहुत सारा कोहरा धुंध जमा हो जाता है मिट्टी में, राख हवा में घुल जाती है तो उसको सूट कहते हैं. जब राख हवा में घुल जाती है तो उसको सूट कहते हैं. टिकट्स मतलब थिक हो जाना. स्लाउच डेथ का मतलब दूर हो जाना. और कोई जिसको कोई डाउट हो बेटा,